अरे कोई झगड़ा कोई लफड़ा, अरे कोई झगड़ा कोई लफड़ा कभी नहीं जो करते हैं। अरे क्यों फेंकते हो यार, है कभी तो सही बात करो। ठीक है तो भाई फिर ये सुनो, थोड़ा झगड़ा थोड़ा लफड़ा कभी कभी जो करते हैं। अरे थोड़ा झगड़ा थोड़ा लफड़ा कभी कभी जो करते हैं, थोड़े से कड़वे हैं लेकिन, अरे थोड़े से कड़वे हैं लेकिन खबर सभी की रखते हैं भाई, खबर सभी की रखते हैं। मकारों की पोल खोल कर, अरे मकारों की पोल खोल कर काम सभी के बनवाना, मकारों की पोल खोल कर काम सभी के बनवाना। ऐसे कक्का जी के दर्शन चलो धनादन करते हैं भाई, चलो धनादन करते हैं, चलो धनादन करते हैं भाई, चलो धनादन करते हैं, चलो धनादन करते हैं। क्या लिखा है शायर ने, ऐसी शायरी तो कभी कभी पढ़ने को मिलती है। वाह वाह वाह, एक से एक उम्दा शेर कहे हैं। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे, कलम तोड़ के रख दी है शायर ने। अब देखिए, यही देखिए, आह अब क्या कहें, देखिए। वाह वाह, लोग कहते हैं कि बदलता है जमाना, लोग कहते हैं कि बदलता है जमाना। अरे लोग तो वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे ओ कालिए, वाह वाह कर रहा है या कान खा रहा है? बस बस, बहुत हुई तारीफ। अरे मरे क्यों मेरी शाम बर्बाद करने पर तुला है रे, क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? आय 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 आय, अरे तूने तो मेरा कुर्ता ही बिगाड़ दिया रे। लगता है तू यूं नहीं मानेगा। डर गया, वैसे तो मुझसे डरता है पर मजाक करने की आदत है इसकी। हाँ तो आप लोग आ गए आज का कार्यक्रम देखने। राम राम, सलाम वालेकुम, वेलकम भाई और बहनों। आप हमें जानते ही हैं, हम हैं झगड़ा प्रसाद लफड़ा प्रसाद, और हमारा तखल्लुस यानी सरनेम है दे दनादन, ये हमारा खानदानी नाम है। लेकिन लेकिन तुम्हारी काकी जब हमें प्यार से कक्काजी कहकर बुलाती हैं तो दिल महसूस कर रह जाते हैं, यानी कि ये क्या कि वो भी हमें कक्काजी कहें, लानत है। आइए कार्यक्रम की बात करते हैं, जिसमें हम सुनाते हैं आपको कहानियां और दिखाते हैं कार्टून। अरे कौन आया भाई, पहले तो इस गांव में कभी देखा नहीं। माफ करना बेटी, तुम्हें पहचाना नहीं। मैं इस गांव की नहीं हूँ चाचा। अरे बड़ी बेशऊर है, न राम राम न दुआ सलाम, और बना दिया चाचा। हम कक्का जी हैं, कक्का जी, कक्का जी बोल, अपना नाम बोल। मैं मक्की हूँ। जो भी हो, कहाँ से आई है? पास वाले गांव रतनपुर से आई हूँ। रतनपुर, यानी कि वो तो यहाँ से कोई 20-25 कोस पर है। हाँ हाँ हाँ, वही रतनपुर। अरे वहाँ तो हमारे बचपन का यार चमेली प्रसाद रहता है। चमेली प्रसाद? अरे वही वैद्य। लेकिन अंदर की बात बताऊं,
जड़ी बूटी के नाम पर जाने क्या क्या घास पत्ती पीस कर दे देता है। लोग समझते हैं कि दवा है, उल्लू बनाता है पब्लिक को। हाँ तो क्या नाम बताया? मघी। अरे पर ये तो बता, ऐसी हालत में यहाँ क्या करने आई? अब ऐसा है चाचा, नहीं नहीं कक्का जी, कि हमारे गांव में कोई अस्पताल, दवाखाना या आरोग्य केंद्र तो है नहीं। समझा, आरोग्य केंद्र में जांच कराने आई है। अरे आई क्या, मेरे मदद ने जबरदस्ती भेजा। क्यों भाई क्यों? अरे इसमें जबरदस्ती की क्या बात है? क्योंकि मेरा तो आने का मन ही नहीं था, उसने भेजा तो आई। पर वो साथ क्यों नहीं आया? अब भला वो मजदूरी छोड़ के कैसे आता? अजीब समस्या है हमारे मुल्क की। खैर जो किया ठीक किया, तेरा मर्द समझदार तो है ही। अरे क्या खाक समझदार है, अब ऐसी हालत में इतनी तकलीफें होती है, ये मर्द लोग क्या जाने। ऐसी बात नहीं है मघी, हम तुम्हारी तकलीफ समझते हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं को आरोग्य केंद्र जाकर जांच करानी ही चाहिए। छोटी सी तकलीफ उठाकर बहुत बड़ी तकलीफ को टाला जा सकता है। अरे कक्का जी, हम रहे गरीब अनपढ़, हमारी तकलीफों का अंत कहाँ, एक न सही और सही आती ही रहती है। बस यही तो गलती है। अरे तकलीफों को रोकने के बदले उनमें फंसे रहना कौन सी अकलमंदी या बहादुरी की बात है? कक्का जी आप भी मेरे मर्द की तरह बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे कहाँ, ये बड़ी बड़ी बातें कहाँ हैं री, ये तो सीधी सादी समझने वाली बात है। तू थोड़ा पढ़ी लिखी होती तो ऐसा नहीं सोचती। आने वाले बच्चे की खुशहाली के लिए थोड़ा कष्ट तो उठाना पड़ेगा। क्या तू नहीं चाहती कि तेरा बच्चा हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो? कौन माँ नहीं चाहेगी, लेकिन हम रहे अनपढ़ गवार। यानी कि फिर वही बात, अनपढ़ हो इसलिए तो सोचती भी गलत हो। तुझे मालूम है कि अनपढ़ माओं को बच्चे की परवरिश के बारे में बहुत सी बातें मालूम नहीं होती। क्या बात कर रहे हो कक्का जी, मैं क्या दुनिया की ऐसी पहली औरत हूँ जो माँ बनूंगी? अरे दुनिया में मेरे जैसी लाखों औरतें माँ बनती है, और ज्यादातर उनमें तो अनपढ़ ही होती है, तो क्या वो सब अपने बच्चों की परवरिश करना नहीं जानती? बिल्कुल नहीं जानती। तो क्या उनके बच्चे यूं ही भगवान भरोसे पल भर जाते हैं? और नहीं तो क्या, भगवान भरोसे ही समझो। अच्छा तू ही अपनी बचपन की याद कर, सब पता चल जाएगा। मगी अगर तू कहती है कि तुझे सब मालूम है तो बता ऐसी हालत में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, तब जानूं। वो तो नहीं कह सकती। क्या खाना चाहिए क्या नहीं? नहीं मालूम। ऐसी हालत में तबीयत खराब हो जाए तो कौन सी दवा लेनी चाहिए? नहीं मालूम। तुझे मालूम है कि बच्चे के जन्म के बाद कौन सी बीमारी के लिए कौन सा टीका लगवाना चाहिए? अब मुझे क्या मालूम। फिर भी कहती है कि दुनिया की पहली औरत नहीं हूँ जो माँ बनने जा रही है। ओ तो माँ बनने के लिए कक्का जी क्या इतनी सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती है? हाँ रखनी पड़ती है, बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए, उसकी तंदुरुस्ती और पढ़ाई के लिए बहुत कुछ जानकारी रखनी पड़ेगी, मालूम है? अरे कक्का जी आप तो खामखा गुस्सा हो गए। खामखा? यही तो तकलीफ है बेटी, तुम्हारा बच्चा हृष्ट पुष्ट निरोग और हंसता खेलता पले, हमारी तो इसी में खुशी है। आप बड़े दयालु हैं कक्का जी, जो मेरे बच्चे की इतनी फिक्र करते हैं। देख मघी, तेरा बच्चा, इस गांव के सभी बच्चे, इस देश के बच्चे, मुझे तो सबकी चिंता है, बच्चे ही हमारे समाज और देश का भविष्य हैं। पर कक्का जी हम तो अनपढ़ गवार। फिर वही बात, तू अनपढ़ है सो जानता हूँ, यही तो गलत बात हुई, लेकिन अब जो जानकारी दे रहा हूँ उसे तो ध्यान से सुन।
अपने बच्चे के साथ वो गलती मत करना जो तेरे माँ बाप ने तेरे साथ की। तुझे एक चित्रकथा दिखाता हूं जिसमें दिखाया है कि तेरी जैसी, हाँ तेरी जैसी एक अनपढ़ महिला ने क्या गलती की थी और उसका कितना गंभीर नतीजा भुगतना पड़ सकता था। आ देख, देख इस चित्रकथा में। शंकर भैया, मैंने तुम्हारे बच्चे की पूरी जांच कर ली है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है। ये तो कह रही थी कुछ नहीं हुआ है, पर इतना रो रहा था कि मैंने सोचा एक बार आपकी सलाह लेने में क्या हर्ज है। नहीं नहीं, तुमने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि इस उम्र के बच्चे बोल भी नहीं सकते कि उन्हें क्या तकलीफ है। पर मैं तो माँ हूँ, मुझे तो पता चल जाता है ना कि इसे क्या चाहिए क्या नहीं। तुम्हारी बात भी सही है, पर रमी, तुम्हारा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तब तक हर तरह के एहतियात बरतने चाहिए। मैं भी वही कहता हूँ कि गांव में आरोग्य केंद्र है किस लिए। ये लो तुम्हारे बच्चे का हेल्थ कार्ड, इसमें इसकी तंदुरुस्ती की रिपोर्ट लिख रखी है। जब भी तकलीफ हो यहाँ आ जाओ, पर ये कार्ड जरूर साथ ले आना। इसमें तो आपने भविष्य में कब कौन सा टीका लगाना है वो भी लिख दिया है, ताकि तुम्हें पहले से पता रहे, कहीं कोई चूक ना हो जाए। धन्यवाद बहन, अब हम चले। हाँ बिल्कुल, रमी बच्चा तंदुरुस्त है ये तो खुश होने की बात है। तू उदास क्यों है री? नहीं तो मैं कहाँ उदास हूँ। ये तो ऐसे ही। अरे शंकर सुनो, तुम बाप बने तब भी मुंह मीठा नहीं करवाया था और आज भी खाली हाथ आए हो। अगली बार डबल मिठाई लूंगी, फिर बच्चे की जांच करूंगी। हाँ अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगा। शांता बहन अच्छे स्वभाव की है। हाँ। चलो अपनी चिंता तो दूर हो गई। तू कब बड़ा होगा, कब अपनी माँ को बुलाएगा, अपने बाबा को कब बुलाएगा। चंदा मामा आया है, तारो को ले आया है, मुन्ना मेरा सोएगा, सपनों में खो जाएगा, तारो से फिर खेलेगा, चंदा के संग नाचेगा। चंदा मामा आया है, तारों को ले आया है, मुन्ना मेरा सोएगा, सपनों में खो जाएगा। तुझे क्या हुआ है, सुबह से मुंह तेरा चढ़ा हुआ है।
अरे भाई कुछ बोल तो सही, आखिर बात क्या है? बच्चा हमारा ठीक हो गया फिर भी तू उदास है। ये लो खाना खाओ। वो तो खाऊंगा ही, पर तू बता तो सही तुझे हुआ क्या है? देख रमी, तुझे अपने मुन्ने की कसम, अगर तू बोलेगी नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या बोलूं जब सब कुछ तय कर रखा है तो? क्या तय कर रखा है? बोल दे ये झूठ है कि तूने शहर जाने की ठान ली है। देख रमी, मैंने जो कुछ भी तय किया है सोच समझ कर ही तय किया है। मतलब तू शहर जाएगा? हाँ। पर क्यों जा रहा है? अरे कैसी बात कर रही हो, यहाँ क्या धरा है जो मैं यहाँ पड़ा रहूं? और वहाँ शहर में भी क्या धरा है जो वहाँ जाने की सोच रहा है? बहुत कुछ। और सुन, कुछ नहीं तो काम तो मिलेगा, दो वक्त की रोटी तो मिलेगी। और मेरा और हमारे छोरे का क्या होगा, वो भी कभी सोचा है? वही सोचा है, तभी तो शहर जा रहा हूँ। अपने बच्चे को अच्छा खिलाना पिलाना है कि नहीं? उसके लिए शहर जाने की जरूरत नहीं है। तू ठहरी अनपट और मैं पढ़ा हूँ 4 किताब। अब ऐसे में कल को हम कोई लॉर्ड गवर्नर तो नहीं बन पाएंगे ना? नसीब में मजदूरी लिखी है तो कम से कम शहर में ज्यादा काम ज्यादा मजदूरी तो मिलेगी। मजदूरी ही करनी है तो यहाँ क्या बुराई है? यहाँ क्यों मुंह खुलवा रही हो मेरा? सुनो। अरे कैसी हो रमी भाभी, मुझे पहचाना नहीं क्या? अरे साधुराम, तुम इस धंधे में कब से आ गए? तुम तो ग्राम सेवक थे। भाभी मैं कोई धंधा नहीं कर रहा, मैं अब भी ग्राम सेवक ही हूँ। तो भैया ये क्या चिपका रहे हो दीवार पर, जरा पढ़ के तो सुनाओ। भाभी ये गांव में पोलियो टीकाकरण का कैंप लगने वाला है हमारे आरोग्य केंद्र पर, इस महीने की 26 तारीख को। उसी का संदेश इसमें लिखा है, ताकि सारे गांव वालों को पता चले और अपने बच्चों को उस दिन आकर पोलियो के टीके की खुराक पिला सके। अच्छा तो मैं चलूं भाभी, अभी बहुत सारे पोस्टर चिपकाने बाकी है। भाभी शंकर भैया आजकल दिखाई नहीं देते। वो तो शहर गए हैं। घर के लिए कुछ खरीदने गए हैं? नहीं रे, वो तो 6 महीने से गए हैं। 6 महीने? बड़ी नौकरी मिल गई लगती है वहाँ। वो तो राम ही जाने, एक तो बार आकर गए, वक्त पर पैसे भी भेजते हैं, पर फिर भी उनके बगैर तो। कभी भी कोई काम हो तो बताना जरूर। अच्छा चलता हूँ, राम राम। भगवान करे ऐसे बच्चे इस टीकाकरण कार्यक्रम के बाद ठीक हो जाए। भला हो उस शांता बहन का कि मेरे बच्चे को ऐसा कुछ नहीं है। शांति रखिए, शांति रखिए और लाइन में आइए। आज हर बच्चे को पोलियो की एक खुराक पिलाई जाएगी, तो मेहरबानी करके एक के बाद एक आइए। बहन जी आप जरा इस तरफ आइए, आपके हाथ में बच्चे का हेल्थ कार्ड जरूर रखिए। लाइन में आइए, लाइन में आइए, एक के बाद एक।
तुम्हारे बच्चे का हेल्थ कार्ड किधर है? ठीक है, कोई नहीं रह जाएगा, सबकी बारी आएगी, एक के बाद एक आओ। गांव में आज एक बच्चा रह नहीं जाएगा बिना टीके के। कहां जा रही हो कांता? आज हेल्थ सेंटर पर पोलियो की खुराक देने का दिन है, मैं भी अपने बच्चे को लेकर जा रही हूँ। चलो भी, चलो देर हो जाएगी, चलो। लेकिन इन सारी औरतों के बच्चे तो बिल्कुल ठीक ठाक है, उनके बच्चे ऐसे तो नहीं है, फिर वो क्यों पोलियो की दवाई पिलाने जाती है? साधु राम, ये रमी दिखाई नहीं दे रही। बहन जी, अब इतनी सारी औरतों में क्या मालूम कौन रमी है और कौन रमा है। अजीब बेवकूफ लोग हैं। उसके मरद को मैंने बताया था, उसके छोरे के हेल्थ कार्ड में भी लिखा था। चलो बहनों, लाइन में आओ। अरे मैंने तो अभी हफ्ते पहले रमी से खुद बात की थी। उसके घर के सामने तो पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम का पोस्टर मैंने अपने हाथों से चिपकाया था। रोज उसका दर्शन करते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी याद नहीं आता। क्या आलसी हो गए हैं लोग। देखो, रमी आज उसके छोरे को लेकर आई ही नहीं। शांता बहन, आप हमारे घर आइए, आइए बैठिए। कल कौन सी तारीख थी मालूम है? कल कौन सी तारीख? पर आप बैठो तो सही। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, ये पूछने आई हूँ कल 26 तारीख थी याद नहीं? 26 तारीख थी, होगी, याद नहीं, पर क्यों पूछ रही हो? कल सारे गांव के बच्चों को पोलियो से बचने के लिए दवाई की खुराक दिलाई गई। वो सामने पोस्टर में पढ़ा कि नहीं? हाँ, कई औरतें जा रही थी ऐसे ही कुछ काम के लिए, उसमें भी यही लिखा है क्या? हाँ, और फिर भी तू अपने बच्चे को लेकर नहीं आई। मेरे बच्चे को पोलियो की बीमारी थोड़ी है जो उसे ले आती। हे भगवान, ये दवाई इसलिए दी जाती है ताकि बच्चे को भविष्य में पोलियो यानी ऐसी बीमारी हो न जाए। मतलब ये बीमारी का इलाज नहीं है, बीमारी को आने से रोकने का इलाज है। तो फिर, और वो तुम चूक गई। मतलब अब मेरे छोरे को ये दवाई नहीं पिलाई जा सकती। हे राम, मेरे छोरे का क्या होगा? ये पोस्टर में सारी बातें साफ लिखी है, वो तुमने नहीं पढ़ी? कहाँ से पढूं शांता बहन, आपको तो मालूम है मैं रही अनपढ़, मुझे तो किसी ने बताया तक नहीं। क्या बात करती हो रमी, तुम्हारे बच्चे के हेल्थ रिपोर्ट कार्ड में मैंने खुद लिखा था कि 26 दिसंबर को पोलियो की एक खुराक देनी है। कहाँ गया शंकर, बुलाओ उसे। वो तो 6 महीने से शहर चला गया है। देखो ये क्या लिखा है, पर तुम तो पढ़ ही नहीं सकती ना। शांता बहन, अब मेरे बच्चे का क्या होगा? रमी, तुम्हें मालूम है तुम्हारे अनपढ़ होने की सजा तुम अपने बच्चे को दे रही हो। कल पूरे गांव में एक तेरे छोरे को छोड़ सारे बच्चों को पोलियो की भयानक बीमारी से बचाने की दवाई दी गई, और तुम आराम से बैठी रही कि ये दवाई देने का कार्यक्रम सिर्फ ऐसे बच्चों के लिए है। बिल्कुल ठीक कहा शांता बहन आपने, मुझे लगा मेरे बच्चे को तो ये बीमारी नहीं है, तो मुझे किस काम की चिंता। पूरी दुनिया में हर बच्चे को पोलियो की दवाई दी जाती है ताकि किसी भी बच्चे को भविष्य में पोलियो ना हो। अब चलो मेरे साथ अपने बच्चे को लेकर हेल्थ सेंटर, मैंने वहाँ इंतजाम करके रखा है। कल मैं और साधुराम पूरा दिन तुम्हारी राह देखते रहे। सारे गांव की औरतें आईं, मगर तू नहीं आई। तुम्हें मालूम है एक पढ़ाई लिखाई की कमी तुम्हारी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान ला सकती थी। अब कम से कम अपने बच्चे को तो पढ़ाना, और हो सके तो तुम भी प्रौढ़ शिक्षा के क्लास जाना शुरू करो ताकि आगे ऐसी गलती ना हो। पर शांता बहन, मेरे बच्चे को पोलियो तो नहीं होगा ना? नहीं होगा, डरो मत,
अब तुम हेल्थ सेंटर में हो। तो देखा मगही, एक अनपढ़ माँ बच्चे की तंदुरुस्ती, परवरिश और उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में किस हद तक अनजान हो सकती है। रमी का छोरा तो बच गया, पर तू देर मत कर, अब भी वक्त है, आरोग्य केंद्र जाकर जांच करवा। हाँ, आपकी बात से माथे पर कक्का जी, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे के साथ कुछ भी बुरा हो, चलती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कक्का जी। और हाँ, एक बात और, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में सोचना और अपने बच्चे को पढ़ाना जरूर। अच्छा तो भाइयों बहनों, राम राम, खुदा हाफिज, गुड बाय। हाँ हाँ, तुझे भी गुड बाय। चल भाग यहाँ से। काम बनाए अक्षर ज्ञान।